दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजदेव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजयावर। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक राजा लगातार कई दिनों तक गुलर के पेड़ पर चढ़ा रहा, लेकिन उसने गुलर के फूल नहीं देखे। तो मन में बचपन से ही एक जिज्ञासा थी कि क्या गुलर के फूल होते हैं? गुलर यानी डूमर के फूल होते हैं। और बाद में धीरे धीरे करके ये जिज्ञासा बढ़ती गई और हमने बहुत सारी चीज़ों को खंगाला, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। तो फिर मन में आया कि नहीं, एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि गुलर के फूल होते हैं या नहीं। तो आज हम आपको गुलर के फूल दिखाएंगे। गुलर का फूल आपने भी बहुत देखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, लेकिन जिन लोगों को गलत फहमी है, जो भ्रम है, आज भ्रम को तोड़ लें, आज हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन इसको देखने से पहले तीन चीज़ों पर ध्यान दे लें। पहला कि गुलर में परागण कैसे होता है, ठीक है? अगर गुलर के फूल नहीं होते तो परागण कैसे होता है? दूसरा चीज़ है, गुलर का फूल खिलता कब है, रात में या दिन में, कितनी देर के लिए खिलता है? कुछ देर के लिए खिलता है तो फिर इसका परागण कैसे हो जाता है? कौन सा ऐसा जीव है, कौन सी ऐसी तितली है, कौन सा ऐसा भंवरा है जो इसका परागण कर देता है? क्योंकि परागण अगर नहीं होगा फिर तो फल नहीं बन पाएगा। और उसके बाद में फिर फल नहीं बन पाएगा जो आप देखते हैं, गुलर का जो फूल देखते हैं, कैसे बन पाएगा? एक अंतिम चीज़ है, वो ये है कि इसके अंदर कीड़े कहाँ से आते हैं, कीड़े क्यों होते हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब आप टटोलेंगे तो आपको फूलों का जवाब भी मिल जाएगा, किसके फूल होते हैं। तो देर नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये है गुलर का फल, और ये फल बिना फूल के तो आया नहीं होगा। तो भाई फूल कहाँ होता है, फूल कैसे बनता है? हमने आपसे फूल बताने की बात की है, हमने कहा है आपको फूल दिखाएंगे। तो हमने कुछ कुछ सवाल आपसे पूछे थे। पहला पूछा था कि अगर गुल फूल होता ही नहीं तो फिर फल कैसे बनता है भाई? दूसरा पूछा था इसमें कीड़े कहाँ से आते हैं? ये सारे सवाल ही इसके जवाब हैं। देखिए, किसी भी फल को, आप जितना भी दुनिया में फल है उस इसके लिए फूल की ज़रूरत होती है, बिना फूल के तो बनेगा नहीं। तो इसका भी फूल होता है, लेकिन इसका फूल ये बाहर नहीं होकर के अंदर होता है। मतलब ये जो फलनुमा जो जगह है उसके अंदर होता है। और ये हम आपको काट के दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने काटा हुआ है, ये देखिए ये है, इसके अंदर देखिए ये फूल, ये कली है, धीरे धीरे करके ये फूल में बदल जाएगा। तो ये है गुलर का फूल, ठीक है, ये देख रहे हैं। और इसी फूल में जब परागण होगा तो फल में बदलेगा, ये इसके अंदर बीज आएगा। फल तो वैसे फलनुमा जगह ही है, फलनुमा जो है वो ये गुलर होता है। परागण कैसे होगा? तो भाई परागण के लिए जितने भी गुलर के देख रहे हैं, ये गुलर है, इसके अंदर यहाँ बीज से, ये देखिए जो जगह है, यहाँ से कीड़ा अंदर जाता है। कीड़ा अंदर जाता है, कीड़ा कहीं ना कहीं दूसरे गुलर से आता है और वहाँ से परागकण लेकर के आता है और इन सारे फूलों को, दूसरे गुलर के फूलों को परागित कर देता है। परागकण लेकर आता है, तब परागकण इसमें आता है, इसमें जुड़ता है और इस तरह से एक पूरी तरह से फल बन पाता है। तो ये जवाब आपको मिल जाएगा। पहला मिल गया कि इस वक्त परागण कैसे होता है। परागण भाई इसमें जो है वो कीड़ों के माध्यम से होता है, जो दूसरे जगह से आते हैं। इसमें जाने का रास्ता देखिए यहाँ होता है। और ये फूल एक दिन में नहीं होते, ये लगातार कई दिनों तक बने रहते हैं फूल। ये तुरंत में ऐसा नहीं खिलते हैं और तुरंत मुरझा जाते हैं। अगर इसके अंदर वो कीड़ा नहीं जाए तो इसका परागण नहीं होगा और इसमें बीज नहीं बनेंगे। फिर क्या करता है गुलर का पौधा, इसको ऐसे ऐसे फलों को नीचे गिरा देता है, यानी कि उसमें बीज नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से कीड़ा अगर नहीं होगा तो ये फल बनेगा ही नहीं। अब इसलिए जितने भी गुलर आप पाएंगे सब में कीड़े होते ही होते हैं। कीड़ा होने का एक और भी दंतकथा है, एक किंवदंती है और हमारे धर्मग्रंथों से जुड़ा हुआ है। उसमें कहा गया है कि भगवान नरसिम्हा का जब अवतार हुआ तो उन्होंने बहुत सारा खून एक राक्षस का पी लिया, हिरण्यकश्यपु का पी लिया, और अपनी उस जलन को मिटाने के लिए उन्होंने एक पेड़ को दांत से काट मारा। वो गुलर का ही पेड़ था और चूंकि खून में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, इसलिए गुलर के जो फल होते हैं उसमें भी कीड़ा लग जाता है। ये सत्य कहाँ तक हमें नहीं मालूम, दंत कथा है, हमने आपको बताया। तो जहाँ तक हमें लगता है कि हमने इस बात को स्पष्ट किया कि फूल इसका कैसा होता है, फल भी हमने बताया और कीड़े क्यों होते हैं ये भी बताया। तो देखा आपने, ये है गुलर का फूल।
अब आप किसी को भी गर्व से कह सकते हैं कि आपने गुलर का यानी डूमर का फूल देखा है। हमें लगता है हमने आपको वीडियो में वैज्ञानिक तरीके से डूमर का फूल कैसे होता है ये बताया समझाया। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।